देश भर से पुलिस और डॉक्टरों की टीम पर हमलों की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। इसी बीच मध्य प्रदेश के श्योपुर में भी डॉक्टरों और पुलिस की टीम पर हमला हुआ। श्योपुर में कोरोना के संदिग्ध मरीज की स्क्रीनिंग के लिए गई डॉक्टरों और पुलिस की टीम पर हमला करने वाले आरोपियों पर रासुका के तहत केस दर्ज किया गया है। बुधवार को हुए हमले में एक एएसआई और डॉक्टर घायल हो गए थे। पुलिस ने इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और इन सभी के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। दरअसल श्योपुर के गसवानी थाना कस्बे की पुलिस को सूचना मिली थी कि एक युवक इंदौर से आया है और वो कोरोना का संदिग्ध मरीज है। जानकारी मिलने पर डॉक्टरों की टीम गसवानी पहुंच गई, लेकिन जैसे ही टीम युवक के घर पहुंची, उसके परिजनों ने अभद्रता शुरू कर दी। उन्होंने युवक की स्क्रीनिंग नहीं करने दी। डॉक्टर की टीम लौट गई और बाद में पुलिस को लेकर फिर से युवक के घर पहुंची, लेकिन इस बार वहां पर लोगों ने पथराव कर दिया। इस हमले में गसवानी थाने के एएसआई श्रीराम अवस्थी घायल हो गए। बोले के इस तरह से हमारे यहाँ पे गांव में एक बाहर से इंदौर से एक लड़का गोपाल सिवरी नाम का आया है और जो अपने घर पे है और वो हम उसके घर पे ही खड़े हैं और उससे अगर बात करने की सोच रहे हैं तो वो लड़का तो छुपा दिया उसके पिता ने और पिता जो है हमसे अभद्रता से व्यवहार कर रहा है और उसको जो है इलाज के लिए मना कर रहा है। तो मैं तुरंत वहाँ अपने के साथ पहुंचा तो मैंने भी वहां पे समझाया उसको कि ये जो है इसमें कुछ नहीं है, केवल आपको चेक कराना है, आपका लड़का आपके घर पर रहेगा। तो इतने में उसकी माँ राधाबाई और उसका लड़का आशीष और गंगाराम और ये तीनों चारों जो है मिलके और बोले कि हम तो ना इलाज कराएंगे और तुम तो ऐसे वैसे आ जाती हो, अब तो आ जाती हो, हम भूखे मर रहे थे, उस टाइम कोई नहीं आया था। डॉक्टर साहब ने भी काफ़ी समझाया पवन उपाध्याय जी ने, लेकिन वो नहीं माना और कहने लगा कि हम नहीं जाएंगे, तुम पे हो वो करना। तो काफ़ी समझाने के बावजूद भी फिर डॉक्टर साहब बोले कि भाई केवल हम तो उसको यही छोड़ जाएंगे। तो जब नहीं मान रहा था वो, तो मैंने उससे ये कहा था भाई हमारी गारंटी है, मैं लोकल का हूँ यहाँ पे, आप मुझे जानते हो, आप जो केवल डॉक्टर साहब देखेंगे उसको, बाहर से आया हुआ है, आजकल बीमारी चल रही है, वो ठीक नहीं है, तुमको भी नुकसानदायक है। नहीं नहीं तुम वो जा करना, हम नहीं कराएंगे। इतने में जो है वो लड़का और वो सभी लोग गुस्सा होकर के और पथराव चालू कर दिया। उन्होंने पथराव चालू किया तो एक पत्थर मेरे सिर में लगा जिससे मेरे काफ़ी ब्लड ब्लीडिंग हुई, दूसरा पत्थर मेरे दाहिने पैर में भी लगा है। आपको बता दें कि घायल एएसआई और डॉक्टर से प्रदेश के स्वास्थ्य और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बात की और उनका हौसला बढ़ाया। न्यूज़ डेस्क।